आप सबको इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, अनौपचारिक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा से मुगल कालीन शिक्षा पर चर्चा करें। मुगल कालीन शिक्षा, मुगल कालीन शिक्षा, मुगल कालीन शिक्षा सन 1192 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक यानी 550 वर्ष तक भारत का मुसलमानों के ने शासन किया। उन्होंने यहां पर एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया जिसे मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। डॉक्टर एफ.ई.के.ई. के अनुसार मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणी शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित। अगला पॉइंट है मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य। मध्यकालीन शिक्षा के प्रति मुस्लिम शासकों के बहुत ही विरोधी दृष्टिकोण रहे जिससे मुस्लिम युग में शिक्षा का उद्देश्य समरूप नहीं हो सके। फिर भी मुस्लिम शासकों ने कुछ ऐसे उद्देश्य निर्धारित किए जिनमें एक रूपता था। वे निम्न प्रकार है, ज्ञान का प्रसार अलग है, ज्ञान का प्रसार इस्लाम का प्रचार, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, धार्मिकता का समावेश, विशिष्ट नैतिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, सांसारिक ईश्वर का की प्राप्ति, मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। पॉइंट है ज्ञान का प्रसार। इसका पहला उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने ज्ञान का प्रसार करना था। मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया था, कहा था कि ज्ञान ही निषाद अर्थात मुक्ति का साधन है। उनका उद्देश्य था दान में धन देने की अपेक्षा
अपने बच्चों को शिक्षा देना कहीं अधिक अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से अधिक पवित्र है। अगला पॉइंट है इस्लाम का प्रसार। इस्लाम का प्रचार मुस्लिम अपने धर्म का विस्तार करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। उनका विश्वास है कि काफिरों से इस्लाम धर्म को अंगीकार करवाने वाला काजी होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मकतबों व मदरसों की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है मुस्लिम संस्कृति का प्रसार। मुस्लिम संस्कृति का प्रसार मुस्लिम संस्कृति का प्रसार मुसलमान भारत में दूसरे देश से आए थे, अतः उनकी व हिंदुओं की संस्कृति में अंतर था। इस अंतर का अंत करने के लिए उन्होंने शिक्षा का माध्यम बनाया। अगला पॉइंट है धार्मिकता का समावेश। धार्मिकता का समावेश मजूमदार राजचंद्र धवन के अनुसार भारत में विश्वित राजधर्म राज था, जिसका अस्तित्व सिद्धांत रूप में धर्म की आवश्यकताओं के कारण उचित था। छात्रों को जीवन में धर्म के महत्व व गौरव से परिचित कराया जाता था। अगला पॉइंट विशिष्ट नैतिकता का समावेश। विशिष्ट नैतिकता का समावेश मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं के द्वारा मुसलमान व हिंदू दोनों के लिए समान रूप से खुले हुए थे, अतः शिक्षा द्वारा उनमें मुस्लिम नैतिकता के आदर्शों का समावेश किया जाता था। अगला पॉइंट चरित्र निर्माण। चरित्र का निर्माण मोहम्मद साहब ने चरित्र निर्माण पर बल दिया। उनका कहना था कि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार उत्तम चरित्र का निर्माण करके ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। सांसारिक ऐश्वर्य की सांसारिक ऐश्वर्य
प्राप्ति के लिए इस्लाम धर्म में कर्म के अनुसार व्यक्ति के पुनर्जन्म का कोई स्थान नहीं है। उनका विश्वास है कि उनका जीवन केवल सांसारिक है, उन्हें इसमें सब प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करना चाहिए। अगला पॉइंट है मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना। मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना, मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना, मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य हिंदुओं को मुस्लिम समानता व संस्कृति से प्रभावित कर मुस्लिम श्रेष्ठता को स्थापित करना था। अकबर ने अपनी शिक्षा नीति का विशेष इसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया है। अगला पॉइंट मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र के प्रमुख के मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख के आगरा, दिल्ली, जौनपुर, विदर्भ, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, कुंड, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि। मुस्लिम अगला पॉइंट है मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं। विशेषताएं शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी, शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा आय वर्ग के अनुरूप थी, शिक्षण का परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था, शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी, उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा, शिक्षा में माध्यमिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। अगला पॉइंट शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था भारत में मुस्लिम शासकों ने केंद्रीय या प्रांतीय स्तर पर शिक्षा के किसी विभाग को की स्थापना नहीं की, लेकिन प्राथमिक व उच्च स्तर की शिक्षा के लिए की व्यवस्था की थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मकतबों व मदरसों की स्थापना की गई। डॉक्टर केई के अनुसार कुछ अपवादों के अलावा मुस्लिम शिक्षा जनता के उन अल्पसंख्यकों के लिए थी जो मुस्लिम धर्म को अंगीकार कर लेते थे। अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा।
मुस्लिम शासकों ने केंद्र मुस्लिम शासकों ने प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र मकतब थे, उनके अतिरिक्त खानकाहों व दरगाहों में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुसलमान बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। कुछ व्यक्तिगत शिक्षक अपने घरों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते थे। अगला पॉइंट है मुस्लिम शिक्षा में विशिष्ट शिक्षक। इस्लाम वर्ग में शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक था। महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे जन साधारण तक तो कम थे, केवल शाही घराने व कुलीन वर्गों की बालिकाएं शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थी। वे सभी प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्राप्त करती थी। मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा को व्यवस्था करते थे। मुस्लिम शासक अपने मुस्लिम काली शिक्षा के गुरु शिष्य संबंध क्या था? मुस्लिम काली शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध मुस्लिम काली शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध इस्लामी संस्कृति में भी यह माना जाता था कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। छात्र शिक्षक का आदर सम्मान करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। गुरु शिष्य पुत्रवत व्यवहार करते थे। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने गुरु से और भी निकट संबंध होता था, क्योंकि अल्पशिल्प में क्षमता प्राप्त करने के लिए गुरु के पास निरंतर रहना आवश्यक। हालांकि मुगल काल के उत्तरार्ध में गुरु शिष्य संबंधों की आदर्श परंपरा का ह्रास होने लगा।
आपको बताया जाएगा आधुनिक शिक्षा।